नहीं बात है, सम टाइम उस्ताद से डांट पड़ जानी, तो हमारे उस्ताद ही हमारे पेरेंट्स को बोलते थे कि इनको बादाम खिलाया करें ताकि इनका हाफ़ा तेज़ हो। तो आज मैं इन्हीं बादाम को यूज़ करते हुए आलमंड मिल्क बनाऊंगा, लेकिन वो भी मिल्क के बगैर है। तो वैसे भी रमज़ान का जो मौसम है थोड़ा सा शदीद होता जा रहा है, तो फिर आज हम बनाएंगे आलमंड मिल्क। मैं हूँ अरसलान, तो आपको सातवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। चलें तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। मुझे जो आलमंड मिल्क के लिए ये बादाम चाहिए, और इनको मैंने तकरीबन ये 50 ग्राम होंगे, और इसको मैंने रात भर भिगो दिया हुआ था, तो इसको हम करेंगे पील ऑफ। कल हमने बात की थी रिलेटिव के बारे में कि हमें अपने रिलेटिव का ख्याल रखना चाहिए, तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने जो बच्चों के बारे में, क्योंकि आगे इन्हें जाके मुल्क संभालना है। तो बात यही है कि हमें चाहिए कि अपने जो बच्चों को सिर्फ इतनी बात बता दें कि जो हमारे उस्ताद हैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत है। तो क्योंकि उस्ताद एक होता है मुआशरे का एक नुमाइंदा होता है, तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप अपने जो उस्ताद हैं उनकी इज्जत करें। आलमंड को पील ऑफ करना बड़ा सब्र का काम है, तो आपने भी थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। लेने अब करेंगे इसकी ग्राइंडिंग। इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो बादाम है मैंने लिए थे 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के हवाले से इसमें 2 कप पानी बेहतर है। इसमें जो थोड़ी सी हमने स्वीटनेस पैदा करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डेट्स हैं, तो ये 2 इसमें आप डेट्स का यूज़ कर लें, क्योंकि हम जो शुगर वो तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, कि इसको कोशिश करेंगे इसको प्योर ऑर्गेनिक रखें। 2 जाएंगी छोटी इलायची, जो कि इसके अंदर एक जो खुशबू है वो पैदा करेगी, और इसको आपने थोड़ा सा ना तोड़ के फिर डालना इसके अंदर। हो जा बंद। तो इसको आप कम से कम 2 या 3 मिनट चलाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो हमने बादाम का यूज़ किया है वो बहुत ब्रीक हो जाए, एक फाइन सी इसकी पेस्ट बन जानी चाहिए जी। मुझे लगता है कि इसकी जो हमारा जो मिल्क है वो तो हो गया रेडी। अब हम इसको करना है फिल्टर ताकि हमारा जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। अच्छा जी, तो इसके लिए मैं फिल्टर के लिए ले रहा हूँ, ये मेरे पास मलमल का कपड़ा है, तो कॉटन का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था ताकि अगर ये कपड़ा में कुछ कोई मतलब के जर्म्स वगैरह लगे हों तो वो इसमें से निकल जाएँ। इसके ऊपर कपड़ा चेक करें, क्रीमी क्रीमी सी इसकी टेक्सचर आ गया उस पर, कि जैसे आपको लग रहा है कि बिल्कुल जो रेयर मिल्क है उस तरह का बन गया है। अब इसको आस्ता आस्ता अंडेलना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह निचोड़ दें ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जो मिल्क बच गया, तो इसके लिए हमें अपने हाथों का करना पड़ेगा इस्तेमाल। तो आप इसको दबाएं, ये जो पीछे हमारा ये मटेरियल बच गया, तो ये ना समझिएगा ये इसको ये ज़ाया हो गया,
बल्कि जो प्रोटीन जो होती है वो सारी इसी के अंदर है। तो आप इसके लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं। आपको बता देता हूँ कि आपने हसबे ज़रूरत शहद लें और शहद के अंदर इसको शामिल करो, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और दो ब्रेड के स्लाइस लें उसके ऊपर लगाएं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। हमारा जो बादामों का मिल्क है बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा होगा कि हम इसके अंदर कोई मिल्क यूज़ नहीं किया। तो आप भी इसको घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत सेहतमंद है, न्यूट्रिशन से भरपूर है और आपके जो रिलेटिव हैं, बच्चे हैं और फैमिली मेंबर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक लास्ट में रिक्वेस्ट जो आप डेली आपको बोलता हूँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। इसको ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये किस तरह का बना है। तो अपना और अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।